रे, कमर टूट गई मेरी, बाजू भी दुख रहे हैं बैग उठा के। देखो ना, इतना भारी बैग मेरे को उठाने के लिए दे दिया। सारा काम मुझ बुढ़िया से ही करवाते हैं। अपना सामान तो ट्रॉली वो जो होता है जिसमें चक्के चलते हैं उसमें ले लिया, मटक मटक के आएंगे। मेरे को कोई बात नहीं, भगवान ऊपर वाला देख रहा है ना। अब ये कहाँ रह गई, ये कम तंग करती है मुझे। ये नहीं कि जल्दी से आ जाए। अरे रचना, ओ रचना कहाँ रह गई, रचना ओ रचना कहाँ रह गई तू, चलना कि नहीं चलना। अरे मम्मी जी आई। अरे जल्दी आ जा, पहले ही लेट हो रहे हैं। और क्यों लेट करवाने पे तुली है तू, पता नहीं सुनती भी है कि नहीं सुनती। आ रही हूँ मम्मी जी। चलो। अरे क्या, आ गई मम्मी जी मैं है? पहले ही हम लोग इतना लेट हो रहे हैं, ऊपर से तू और देर करवाने में लगी हुई है। 11:15 हो गए हैं, 10:45 समझी, और 11 बजे की हमारी ट्रेन है। तेरे कारण अगर हमारी ट्रेन छूट गई ना तो सारे रास्ते तेरे को पैदल लेके जाऊंगी, सोच लियो। ठीक है मम्मी जी। ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मी। चल अब। चलो मम्मी जी। अरे रचित, रचित। क्या हुआ मम्मी, बोलो क्या बात है। बेटा मैं और दादी ना घूमने जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना है तेरे को। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और सुन, बाहर घूमने मत निकल जाइयो, घर में ही रहियो। चलो मम्मी जी। और हाँ, वहां पहुंचने पर हम फोन करेंगे, फोन उठा लियो, पबजी में मत घुसा दियो। अरे दादी आप टेंशन मत लो, आप बिंदास घूम के आओ। अरे टेंशन मुझे ही होती है तेरी, समझे ना। चलो मम्मी जी। एक बात और याद आई, किसी अनजान आदमी को घर में मत घुसा लियो। ठीक है दादी ठीक है। अरे मम्मी अब नहीं हो रहा लेट, अब ट्रेन नहीं छूटेगी आपकी, चलो जल्दी। बाय मम्मी। बाय बेटा। बाय दादी। मम्मी और दादी तो गए, अब किचन से सबसे पहले निकाल के बोनविटा खाऊंगा। कहाँ रखा है ये रहा। अरे लेकिन ये तो हॉर्लिक्स है। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। अबे कौन सा कीड़ा लड़ गया। एक मिनट, वाह भाई वाह। अरे यार कहाँ गई मम्मी, ने अभी मेरे बर्थडे पे दिलाई थी, नहीं मिली ना तो मम्मी मेरा खून कर देगी। अरे यार यहाँ भी नहीं है, ढूंढ छाती ढूंढ, कहाँ गई यार। कितनी महंगी थी यार, मम्मी ने कैसे कैसे करके दिलाई थी। ओ भाई साहब 10 रुपए, 10 रुपए तो ठीक है लेकिन मेरी इयररिंग कहाँ गई यार। क्या हुआ बहन, तू लगता है थोड़ी टेंशन में है, परेशान है। अरे यार इसको बताऊं या ना बताऊं, कहीं मम्मी पापा को ना बता दे। क्या तू क्या सोच रही है, अगर तू मुझे बताएगी तो मैं मम्मी को बता दूंगा क्या। अरे तू टेंशन मत ले, तू मेरी प्यारी बहन है और मैं तेरा प्यारा भाई, तू मुझे भरोसा कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बता मुझे क्या हुआ, चल बता भाई। वो अबे क्या बकबक कर रही है, क्या वो कर रही है, आगे भी तो बोल, चल बता क्या हुआ बता। भाई वो जो मेरी इयररिंग थी ना जो मम्मी ने मेरे को बर्थडे पे दिलाई थी, वो गोल्ड वाली। हाँ हाँ।
वो गुम हो गई। ओ शिट, वो इयर रिंग जो मम्मी ने दिलाई थी बर्थडे पे वो गुम हो गई। वो इयर रिंग, वो इतनी एक्सपेंसिव, इतनी महंगी, इतनी कीमती, इतनी खूबसूरत वो गोल्ड की इयर रिंग खो दी। ओ शिट 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 शिट, तूने इतनी महंगी इयर रिंग गुम कर दी, अब क्या होगा यार। अरे भाई तू हंस क्यों रहा है? क्योंकि अब तू रोएगी। तेरे को पता है तू मुझे कितना ठीक मिल गया? जैसे लंगड़े को टांग, अंधे को आंख, अलादीन को चिराग, प्यासे को बिस्लेरी, डूबते हुए को लाइफ जैकेट। अब तो एक एक चीज का गिन गिन के बदला लूंगा। भाई वो इयररिंग ढूंढने में मेरी हेल्प करा दे। अबे तू पागल वागल है क्या? इन बालों के साथ साथ ना दिमाग भी आधा करा गया ये क्या? तेरे को पता है मम्मी ने कितनी मेहनत से अपना पेट काट काट के एक एक रुपया जोड़ जोड़ के तेरे को 40,000 रुपए की सोने की इयररिंग दिलवाई थी और तूने वो खो दी। मैं तो मम्मी को बताऊंगा। नहीं नहीं भाई प्लीज ऐसा मत कर, अगर मम्मी को पता चल गया ना तो मम्मी मुझे कच्चे से बचा जाएगी, मेरे बाहर आना जाना बंद कर देगी और तो मेरे फोन तक छीन लेगी। हाँ तो मैं क्या करूँ, तू है इसी लायक। अभी बता रहा हूँ मम्मी को फोन करके। भाई प्लीज मत बता, प्लीज मत बता। बताऊंगा, अभी मम्मी का नंबर डायल कर रहा हूँ। भाई तू जो बोलेगा मैं वो करूंगी। क्या बोली? जो मैं बोलूंगा वो तू करेगी? आज तू नहीं बचेगी। अरे भाई अब पुरानी मूवी के विलन की तरह ऐसे कमर पे हाथ रख के घूमता रहेगा या बताएगा अभी कि करना क्या है? मुंह बंद। अभी तुझे बताता हूँ कि करना क्या है। ये पकड़। भाई ये क्या है? ये है तेरे कच्चे चिट्ठे और आज तक जो तूने काले पाप करे है ना उन सबकी डॉक्यूमेंट्री बना के रख रखी है मैंने कई सालों से और अब वक्त है तेरे पश्चाताप का। अब तो तू गई। याद है 10 जनवरी 2019 को क्या हुआ था? क्या हुआ था भाई? अरे वही तो तेरे से पूछ रहा हूँ क्या हुआ था। मुझे नहीं याद। बड़ी भुलक्कड़ है तू। चल कोई बात नहीं मैं तुझे याद दिलाता हूँ। चल फ्लैशबैक में। बहन मेरे को ना शाम के 6 बजे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है तो मैं थोड़ी देर के लिए सोने जा रहा हूँ तो मेरे को ना उठा दियो यार टाइम से प्लीज। मैं तो उठा दूंगी लेकिन अगर तू नहीं उठा तो? अरे तू थोड़ा ट्राई करियो मैं उठ जाऊंगा ना, मेरे को जाना है यार इम्पोर्टेंट मीटिंग में। और अगर तू फिर भी नहीं उठा तो? देख वैसे तो मैं उठ जाऊंगा लेकिन ज्यादा ट्राई करने के बाद भी अगर मैं ना उठू ना तो बस मेरे मुंह पे थोड़ा सा पानी का ऐसे छींटा मार दियो मैं उठ जाऊंगा यार। ठीक है चल ठीक है ओके। भाई वो तो बहुत पुरानी बात है ना, उसमें मिट्टी डाल दे प्लीज। अबे ऐसे कैसे मिट्टी डाल दूं?
अभी तो तेरे पापों का हिसाब बाकी है और अभी तो ये शुरुआत है। ठीक है भाई, एक दो मग्गे फेंक लियो। एक दो मग्गे? भाई तू हंस क्यों रहा है? क्योंकि अब तू रोएगी, तेरे सातों जन्मों का मैल उतरने वाला है। भाई तू ये सब क्या डाल रहा है? ये सब मत कर भाई, मेरी शक्ल खराब हो जाएगी। अब तो तू गई करम जड़ी कलम हुई। ओ भाई मजा आ गया, भाई मजा आ गया। आइए बैठिए। हाँ तो तुझे याद है 22 फरवरी 2022 को क्या हुआ था? तू पैदा हुआ था उस दिन, तेरा बर्थडे आता है बेवकूफ, इतना भी नहीं पता? अबे ओ चल हट। और मेरा जन्मदिन ना 13 सितंबर को आता है, अभी थोड़े दिन पहले गया था, इतना भी नहीं याद क्या तेरे को? मैं ना अपने जन्मदिन की बात नहीं कर रहा, तेरे काले करतूतों की, तेरे पापों की बात कर रहा हूँ। वो तो मुझे नहीं याद। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तेरे को याद दिलाता हूँ। इधर आ, इधर आ। चल फ्लैशबैक में मैं तेरे को याद दिलाता हूँ क्या हुआ था। रचित। हाँ दादी। मैं अपनी सहेलियों के साथ एक बहुत अच्छे फंक्शन में जा रही हूँ और ये मेरा नया सूट है, इसको एकदम चकाचक प्रेस कर देना, एक भी सलवट नहीं दिखनी चाहिए, समझे? और मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ये पकड़ प्रेस और ये ले पकड़ सूट, एकदम चकाचक होना चाहिए प्रेस, एक सलवट नजर नहीं आना चाहिए और कुछ गड़बड़ मत करना, समझे? मेरा एकदम ब्रांड न्यू सूट है, बहुत महंगा है। ठीक है दादी आप टेंशन मत लो, मैं अच्छे से कर दूंगा। चलो भाई दादी के सूट के प्रेस कर देता हूँ। अबे यार पेट में ना बहुत ज्यादा दर्द हो गया एकदम से, दादी के सूट के तो प्रेस हो गई। एक काम करता हूँ चुन्नी के बाद में करूंगा, एक बार वॉशरूम से होके आता हूँ, प्रेस बंद कर देता हूँ कभी दादी का सूट ना जल जाए। अरे मैं देखूं इसने कपड़े प्रेस कर दिए कि नहीं कर दिए। अरे ये सब कुछ यहीं छोड़कर कहाँ चला गया? एक मिनट। अरे वाह सूट तो बड़ा अच्छा प्रेस किया है, एक भी सलवट नहीं है। और ये क्या, प्रेस तो ऑन छोड़ी हुई है। हाँ मेरी नई चुन्नी जला दी, चुन्नी तो जलाई सो जलाई, नई चद्दर भी जला दी। अब तू सारे घर के कपड़े प्रेस करेगी और यहाँ तक कि इस घर के पोचे भी प्रेस करेगी तू। मैं पोचे प्रेस करूंगी, माय फुट, चल दफाओ। अबे ओ तेरे को अच्छा लगता है क्या मैं बार बार तेरे को डराऊं? तू ऐसे नहीं मानेगी ना, कोई बात नहीं तू मत कर कुछ भी, मैं अभी मम्मी को फोन करके ना तेरे सारे कांड बताता हूँ। नहीं 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 भैया प्लीज मम्मी को मत बताओ, प्लीज भैया मैं ना घर के सारे पोछे प्रेस कर दूंगी, प्लीज मम्मी को मत बताओ।
ओके। हे भगवान, ऐसा भाई तू किसी को मत दियो जल्लाद। जिंदगी खराब कर ली मैंने इसको बता के। पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है इसके चक्कर में। अरे यार इतने सारे कपड़े फिर से। चल चल जल्दी प्रेस कर, जल्दी प्रेस कर। अब तो ये लास्ट कपड़ा बचा है। हो गए सारे कपड़े प्रेस। भगवान फाइनली। अरे अभी कहाँ, मेन चीज तो अभी बाकी है। गोल आईफोन। तुझे याद है 28 अप्रैल सन 2022 को क्या हुआ था? नहीं याद भाई। अच्छा बेटा, अपने काले करतूत तो जब भी भूल जाती है तो बड़ी भुलक्कड़ है। कोई बात नहीं, तू फ्लैशबैक में चल, मैं तेरे को याद दिलाता हूँ। आजा 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 आजा। एक दो तीन चार। बहना मेरी प्यारी बहना, मेरे को थोड़े से पैसे दे दे। अबे ओ, ये पैसे हैं, कोई भंडारे के आलू पूरी नहीं है जो तुझे दे दूं। और वैसे तुझे परसों अपनी पॉकेट मनी मिली थी ना, वो कहाँ है? मैं अपने पैसे क्यों दूं? बहना वो मेरे पैसे तो यार खर्च हो गए, प्लीज दे यार थोड़े पैसे दे दे यार, मेरे को ना बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए चाहिए। मैं नहीं दे रही, चल चल निकल यहाँ से, भाग यहाँ से चल। देख मैं तेरे से आराम से पैसे मांग रहा हूँ तो आराम से दे दे, ठीक है ना? मेरे अंदर के सोते हुए शैतान को जगाने की कोशिश मत कर। ऐसे तो बिल्कुल नहीं दूंगी, प्यार से मांग पहले। मेरी प्यारी बहना, देखो मैं आपका बड़ा भैया हूं ना, प्लीज मेरे को पैसे दे दो मेरी प्यारी बहना। ऐसे नहीं यार, मजा नहीं आया। एक काम कर, भीख मांग। अबे ओ, अपनी औकात में रह, मैं के अंदर को भिखारी नजर आता हूं। हाँ। अबे ओ, अपनी ना लिमिट क्रॉस मत कर। तेरे को क्या लगता है मैं इन चंद पैसों के लिए तेरे आगे गिड़गिड़ा के तेरे पैरों में नाक रगड़ के भीख मांगूंगा? ऐसा ना सोच भी मत लियो। कोई नहीं, फिर तो निकल यहाँ से चल। बहना, बहन जी, मैडम मालकिन, मैडम थोड़े पैसे दे दो, मैडम थोड़े पैसे दे दो। मुझ जैसे गरीब भिखारी ने ना मालकिन पिछले 10 दिन से कुछ नहीं खाया, मालकिन थोड़े से पैसे दे दो। भगवान की दुआ लगेगी अगर आप मुझे से गरीब भिखारी को 100 रुपए दोगे ना, तो भगवान आपको 200 रुपए देगा प्लस GST। दे दो मैडम, थोड़े से पैसे दे दो मैडम, भगवान की कृपा मिलेगी मैडम, और मुझ जैसे गरीब भिखारी की भी दुआ मिलेगी मैडम। देखो मैं आपके पैर दबा रहा हूँ मैडम, मैंने 10 दिनों से कुछ नहीं खाया मालकिन, थोड़े से पैसे दे दो ना। अच्छा एक काम कर, पहले कुछ गा के सुना। गाना गा के सुनाऊं? एक मिनट। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, टिक टिक टिकना कित कित टिकना, दिखता ना टिकता ना पिकता ना टिकना। अरे मालकिन, अरे मैडम जी, अब तो थोड़े पैसे दे दो। अच्छा अच्छा रुक, लगता है आज तो मेरी सिंगिंग पर ये सारे पैसे लुटा देगी। हैं चवन्नी, क्यों ज्यादा लग रहा है, ला वापस दे। अरे बहन ऐसे मत कर यार, थोड़े पैसे और दे दे यार, मेरे को जरूरत है यार। अबे ओ, जैसी तेरी बेसुरी आवाज थी ना उस हिसाब से बहुत ज्यादा है, और तेरी घटिया आवाज सुनने के लिए ना उल्टे मुझे तुझसे पैसे लेने चाहिए। अच्छा ले पकड़ अपनी चवन्नी, तेरे सामने भीख मांगने से अच्छा ना किसी रोड पे जाके भीख मांग लेता ना, तो तेरे से ज्यादा भीख मिल जाती। नहीं चाहिए तेरे पैसे। याद आया कुछ, तूने मेरे से भीख मंगवाई थी, भीख
बेटा अब मैं तेरे से भीख मंगवाऊंगा, वो भी सचमुच की। हाथों में कटोरा लेकर तू भीख मांगेगी हर गली के नुक्कड़ पर, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पर, ट्रैफिक सिग्नल पर तू भीख मांगेगी भीख। नहीं 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 भाई प्लीज ऐसा मत कर प्लीज भाई। अच्छा कोई बात नहीं, मैं मम्मी को फोन करके सारी चीजें बता देता हूँ, मत मांग। नहीं भाई प्लीज मत करना भाई, मैं ये सब नहीं करूंगी। तू करेगी, नहीं करेगी तो मैं फोन कर दूंगा भाई। तेरे नाम बीच की मांग, कटोरा लेके भीख मांग। भाई प्लीज ये सब मत करना भाई। अच्छा ज्यादा जुबान चल रही है, करो अभी मम्मी को फोन। नहीं भाई मत कर प्लीज, मैं थप्पड़ मार दूंगा, जाके भीख मांग चल। यस भैया 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 थोड़े पैसे दे दो भैया। अरे कोई पैसे वैसे नहीं है भैया, प्लीज दे दो भगवान के नाम पे, भगवान आपको बहुत सारी खुशियां देगा प्लीज भैया। अरे तेरा बाप यहाँ छोड़ के गया था कि तेरी माँ? भैया प्लीज दे दो। अरे चल निकल, कोई पैसे वैसे नहीं है। अरे कहाँ कहाँ से हंसते हैं भिखारी लोग। भैया 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 प्लीज कुछ दे दो भैया। चल भैया देखो देखो मैं आपके वास्ते नाची, अब तो प्लीज कुछ दे दो भैया। मैं भी नाचा, मुझको दे। अंकल 2 रुपए दे दो प्लीज, 2-5 50 दे दो। थैंक यू अंकल, थैंक यू, भगवान आपको खुश रखे। आंटी आंटी कुछ दे दो आंटी, भैया कुछ दे दो भैया। भैया 1-2 रुपए दे दो भैया, 10-5 रुपए दे दो भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, आप दे दो। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। थोड़े 5-10 रुपए दे दो भैया, थोड़ी सी हेल्प कर दो। 10 रुपए तो होंगे, 1-2 रुपए होंगे अंकल, 1-2 रुपए होंगे। ओ भाई अबे भाई, तेरी वजह से वो भिखारन बार असलियत में भीख मांग रही है। अब तू देखता जा, मम्मी और दादी तो पता नहीं कब आएंगी घूम के, इतने तो मैं अपनी जिंदगी के सारे बदले उससे निकाल लूंगा। हराम जाते कुत्ते कमीने, ये रिंग तेरे पास थी, इसके चक्कर में तूने मुझसे क्या कुछ नहीं कराया। पहले मेरे ऊपर वो गंदा पानी फेंका, उसके बाद मुझसे सारे घर के कपड़े प्रेस करवाए, यहाँ तक कि पोछा भी प्रेस करवाया, और तो और तूने मुझसे भीख तक मंगवाई। हाँ तो क्या हो गया, वैसे भी तू इसी लायक है। अब तू नहीं बचेगा, अथा माजी सटकली, अब तो तू गया। अबे तू क्या कर लेगी, तेरे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा अब। मेरे से पंगा लेगी है? मम्मी दादी आप दोनों यहाँ पे? देखो इसने कुछ पीछे छुपाया है, इसने जरूर कुछ बदमाशी की है। क्या बदमाशी की है तूने? अरे आप लोग तो कई दिन के बाद घूम के आने वाले थे ना, एकदम कैसे आ गए? अरे जिस चीज की उम्मीद थी वही हुआ, तेरी अम्मा की वजह से ट्रेन छूट गई। आपकी वजह से छूटी है? तेरी वजह से छूटी है, 10:45 तक तो मैडम कमरे से बाहर नहीं निकली थी, मेकअप करने से फुर्सत मिले तो मात बने ना। मम्मी आपकी वजह से छूटी है ट्रेन। तुम्हारी वजह से छूटी है, जबान मत लड़ाओ समझी। आपकी वजह से। चुप कर, बहुत ज्यादा बोलने लग गई है। मम्मी मम्मी दादी खोलो।
मम्मी स्वाति की आवाज। हाँ स्वाति की आवाज है। अरे मम्मी, अरे दादी, किसी की भी तो आवाज नहीं है। आपके कान वान खराब हो गए शायद, किसी की आवाज नहीं है। क्या बोल रहा तू, अभी हम दोनों ने स्वाति की आवाज सुनी है। कहाँ है स्वाति बता। मम्मी भैया ने मेरे को अलमारी के अंदर बंद कर दिया, मम्मी खोलो। देखा, इसने उसको अलमारी में बंद कर दिया, अब इसको नहीं छोड़ेंगे हम लोग। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हेलो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो पसंद आई है ना, तो लाइक कर दो, एक लाइक तो बनता है। और कमेंट करके इस वीडियो से अपना फेवरेट पार्ट बताओ, और वो वाला पार्ट भी बताओ कमेंट करके जो सबसे ज्यादा आपको रिलेटेबल लगा है। कमेंट जरूर करना है, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पुराने हो तो शेयर करो वीडियो को, और सब्सक्राइब करवाओ बाकी लोगों से, अपने दोस्तों से, सबसे। तो बस ठोक दो लाइक्स, कमेंट्स, सब कर दो यार। फिर जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक व्लॉग्स देखो, डेली आ रहे हैं व्लॉग चैनल पे। ठीक है गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।